वेलकम टू अ चैनल सिव इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक टाइप्स, मतलब कि किस किस तरह के हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने माय चैनल सिव इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, देर एग्जिस्ट अ ग्रेट वैरायटी अमंग द इग्नियस रॉक्स, इवन विद इन द सेम रॉक देर मे बी सीन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन। हाउएवर, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉमन रॉक टाइप्स आर डिस्क्राइब इन दिस वीडियो लेक्चर। तो देखो, वैसे मैं आपको बताऊं तो क्या बोलते हैं, हम पार्ट फिफ्थ कर रहे हैं। हम पार्ट चार हम पहले कर चुके हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर, और हम कर रहे हैं पार्ट फाइव, इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स। तो उसके अगर आपने ये पार्ट्स नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने सारे पार्ट्स एक साथ ही डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा देखो क्या आते हैं, ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, डोलराइट, एंडिसाइट, रायोलाइट एंड बसाल्ट। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह के हम इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, अब इसमें ना कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, मैं अभी आपको बताया था, अभी सिर्फ एक मिनट ही हुआ है कि इसमें कुछ अब समझाने वाला नहीं है। बस जैसे कि एक होता है ना कि आप मूवी देखने गए हो, तो आपको देखो अगर आप मूवी देखने जाते हो तो आप वहां पे डायलॉग सुनते हो, पिक्चर देखते हो, तो आपको सब याद रहता है अगर आपसे कोई भी दोस्त पूछे। लेकिन अगर आपको वही सिंपल पूरी मूवी की स्क्रिप्ट दे दी जाए तो आपको कोई कोई डायलॉग मुश्किल से याद होगा। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, एक तरह का आपको मूवी बना के दे रहा हूँ जो आपके बुक में लिखा हुआ है। तो बस मैं बोल रहा हूँ और बस मैं आपको थोड़ा मोटा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारे ग्रेनाइट। देखो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन, मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, और इसके बाद आता है हमारे वैरायटीज और मोड ऑफ अकरेंस, सारा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा ग्रेनाइट में क्या क्या चीजें होती है क्योंकि ये आ जाता है एग्जाम में। डेफिनेशन, इट इज अ इग्नियस रॉक, लाइट कलर्ड, एसिडिक इन नेचर, ऑफ प्लूटोनिक ओरिजिन, विद क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्रॉस एसेंशियल मिनरल्स। तो ये क्या होता है, एक इग्नियस रॉक होता है, लाइट कलर्ड होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, प्लूटोनिक ओरिजिन का होता है, विद क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्रॉस एस एसेंशियल मिनरल्स। तो वो में हम सब पढ़ चुके हैं, सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, आप पहले वाले पार्ट देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिनरल कॉम्पोजिशन, तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले आप वो वाले पार्ट देख के आओ, फिर इस पर आना। इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन, द एसेंशियल मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस रॉक आर क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर। तो मतलब ग्रेनाइट के जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पूरा है, हमारा ये पूरा ग्रेनाइट बना हुआ है। अमंग फेल्सपर, ऑर्थोग्लाइट इज मोस्ट अबंडेंट, एल्बाइट एंड ओलिग्लस ऑल्सो समटाइम्स अकर। तो देखो, ऑर्थोग्लाइट इज मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा वो है, एल्बाइट एंड ओलिग्लस ऑल्सो टर्म्स आई अकर। तो एल्बाइट एंड ऑलिग्लॉस भी कभी कभी इसमें अकर हो जाते हैं, वाइल माइक्रोक्लाइन अकर्स रेयरली। तो माइक्रोक्लाइन हमारा बहुत ही कम आता है। द एसेंशियल मिनरल्स विच अकर इन स्मॉल क्वांटिटीज इंक्लूड मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड, टॉर्मलाइन, ऑगाइट, हाइपरस्टीन एंड मैग्नेटिक। तो ये आपको सारी चीजें ना, आपको मैग्नेटाइट, तो आपको सारी चीजें ना याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप समझो यहाँ पे भी नहीं करते ना तो ये वाला चीज भी ना आप करना चाहते तो मत करना, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, डेफिनेशन ऐसे एक एक हेडिंग बना के डेफिनेशन, अगर आपसे आता है ग्रेनाइट एक्सप्लेन करो सारा। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सचर, इट इज अ होलो क्रिस्टलाइन कोर्स ग्रेन रॉक, समटाइम्स मीडियम ग्रेन ऑल्सो, दो इट इज कॉमनली इक्विग्रेनुलर, सम वेराइटीज शो टिपिकल पोर्फिरिटिक टेक्सचर। तो पोर्फिरिटिक टेक्सचर हमारे कभी कभी शो होता है, वैसे इक्विग्रेनुलर है लेकिन कभी कभी इन इक्विग्रेनुलर भी हो जाता है, तो इसलिए हमारा क्या शो करता है, पोर्फिरिटिक टेक्सचर। ये हम सब कुछ कर चुके हैं टेक्सचर के अंदर। तो उसके बाद आता है देखो वैरायटीज, डिपेंडिंग अपॉन द मिनरल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन एडिशन टू द एसेंशियल मिनरल्स क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर एंड द टेक्सचर, अ नंबर ऑफ वैरायटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करते हुए हमारे कुछ वैरायटीज निकलते हैं। कितनी तरह की निकलती है, 5 तरह की हमारी, 6 तरह की हमारी वैरायटीज है और एक एक करके हम बताते हैं। देखो सबसे पहले आता है हॉर्नब्लेंड ग्रेनाइट, तो इन विच हॉर्नब्लेंड इज द प्रोमिनेंट एसेसरी मटेरियल। बस जो जो इसमें मटेरियल एसेसरी है ना वो मतलब कि वो हमारा नाम है। तो देखो बायोटाइट ग्रेनाइट में हमारा बायोटाइट है, मस्कोवाइट में हमारा देखो इन विच मस्कोवाइट इज द प्रोमिनेंट एसेसरी मटेरियल, ठीक है मिनरल, सॉरी मटेरियल बोल रहा हूँ मैं, मिनरल। टॉर्मलाइन में क्या हमारा देखो, इन विच टॉर्मलाइन इज द, तो हॉर्नब्लेंड बायोटाइट इन विच बोथ हॉर्नब्लेंड एंड बायोटाइट आर प्रोमिनेंट एसेसरी मिनरल्स। पोर्फिरिटिक ग्रेनाइट विच हैज अ पोर्फिरिटिक टेक्सचर, तो वही पोर्फिरिटिक टेक्सचर, बस एक टेक्सचर का एक नया आ गया इसमें बस, कि पोर्फिरिटिक ग्रेनाइट क्या होता है, विच हैज अ पोर्फिरिटिक टेक्सचर। तो ये टेक्सचर में हम सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ अकरेंस, तो मोड ऑफ अकरेंस हमारा क्या, ग्रेनाइट्स कॉमनली अकर एज लार्ज इग्नियस बॉडीज, द लार्जेस्ट इग्नियस बॉडीज कॉल्ड बेथोलिथ्स आर वन ऑफ द ग्रेनाइट्स और रिलेटेड ग्रेनाइट रॉक्स। तो जो लार्जेस्ट इग्नियस रॉक्स बॉडीज मैंने आपको बताया था, बेथोलिथ्स हमारे सबसे ज्यादा बड़ा होता है ये डायमेंशन में, तो वो हमारे ग्रेनाइट में भी हमारे अकर होता है। तो ग्रेनाइट भी हमारे बेथोलिथ्स में आता है, ग्रेनाइट कॉमनली अकर एज लार्ज इग्नियस बॉडीज, तो ग्रेनाइट हमारा हमेशा बड़ी बड़ी बॉडीज में आता है। ये हमारा पूरा ग्रेनाइट है, देखो जिस स्पीड से मैं समझा रहा हूँ इसी स्पीड से मैं सारे समझा रहा हूँ। तकरीबन ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 15 से 20 मिनट, लेकिन आप सुन सकते हो सारी वीडियो। तो साइनाइट,
डेफिनेशन, इट इज एन इग्नियस रॉक लाइट कलर्ड इंटरमीडिएट नेचर ऑफ प्लूटोनिक ओरिजिन विद फेस्पर एस एसेंशियल मिनरल कंस्टिट्यूएंट। सेम सा ही है, बस थोड़ा सा फर्क आ गया, क्योंकि वो हमारा मेरे ख्याल से एसिडिक नेचर था, ये हमारा इंटरमीडिएट नेचर है। तो देखो एसिडिक नेचर, ये हमारा इंटरमीडिएट है, मतलब ना ज्यादा बेसिक है ना ज्यादा हमारा एसिडिक है। नेक्स्ट आता है देखो मिनरल कॉम्पोजिशन। तो मिनरल कॉम्पोजिशन देखो हमारा क्या आता है, साइनाइड एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ फेस्पर सच एज ऑर्थोग्लोस एंड एल्बाइट। तो उसमें फेस्पर था, इसमें एल्बाइट आ गया, समटाइम्स ऑलिगोग्लोस, तो वही हमारा सेम ऑलिगोग्लोस, नॉर्थाइट एंड माइक्रोक्लाइन में ऑल्सो भी प्रेजेंट। अदर मिनरल्स प्रेजेंट अलॉन्ग विद फेस्पर इंक्लूड हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट एंड ऑगाइट। द सेसिल मिनरल्स इंक्लूड क्वार्ट्स, सिरकन, स्फीन एंड एपेटाइट। तो ये हमारे थोड़े सेसिल मिनरल्स क्या आ जाते हैं इसमें, क्वार्ट्स आ जाते हैं, सिरकन, स्फीन आ जाता है एंड एपेटाइट। अब उसके बाद आता हमारा देखो टेक्सचर। इट इज अ होलो क्रिस्टलाइन कोर्स ग्रेन रॉक, समटाइम्स मीडियम ग्रेन ऑल्सो। तो वैसे तो कोर्स ग्रेन होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं कोर्स ग्रेन मतलब कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। ये देखो कितना बड़ा क्रिस्टल है, ठीक है, ये पूरा बड़ा है, लेकिन कभी कभी मीडियम ग्रेन भी होता है, तो ये छोटे छोटे भी कभी कभी आपको ऐसे बीच में दिख रहे हैं। दो इट इज कॉमनली इक्विग्रेनस, सम रेटिश शो ग्राफिक ग्रोथ एंड टिपिकल पोरफिरिटिक एंड पॉइक्लिटिक टेक्सचर। तो ये सब हम पढ़ चुके टेक्सचर्स में, ग्राफिक ग्रोथ के हमारा आता है मॉड ऑफ फॉर्मेशन में, ठीक है, हमारे मॉड ऑफ फॉर्मेशन में आपको ग्राफिक ग्रोथ भी आपको शो होती है। नेक्स्ट आता है देखो वैरायटीज। द वैरायटीज आर नेम्ड आफ्टर द प्रोमिनेंट मिनरल प्रेजेंट अदर देन ऑर्थोग्लोस एंड एल्बाइट। तो ऑर्थोग्लोस और एल्बाइट के अलावा बाकी जो भी हमारे मिनरल आते हैं उस पर हमारे बेस्ड है। तो देखो मोनजोनाइट, साइनाइट विद एल्कलाई एंड पेलिग्लोस फेल्सपर इज इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन। तो जो हमारे मोनजोनाइट होते हैं वो हमारे साइनाइट विद एल्कलाई एंड प्लाइगियोक्लेस फेल्सपर में होता है, ठीक है ना, मतलब कि इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं दोनों। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा देखो लार्विकाइट, साइनाइट रिच इन लैब्राडोराइट। ठीक है, ये लैब्राडोराइट हमारा एक मिनरल है, उसके जब भी वो रिच होता है मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्रेजेंट है, तो वो हमारा लार्विकाइट है। नेक्स्ट आता है देखो नॉर्डमेरकाइट, साइनाइट विद क्वार्ट्स। देखो थोड़े से नाम अजीब है, शायद मुझसे भी नहीं बोले जा रहे अच्छे से, लेकिन आपको ये लिखना है एग्जाम में, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। नेफिलिन साइनाइट, साइनाइट विद नेफिलिन, पोरफिरिटिक साइनाइट, साइनाइट शोइंग पोरफिरिटिक टेक्सचर। ठीक है, ये हमारे पूरे कितनी वैरायटी होगी, 5 तरह की वैरायटीज हमारी आती है साइनाइट में। और नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ अकरेंस, तो कॉमनली अकर है लार्ज इग्नियस बॉडीज, तो लार्ज इग्नियस बॉडीज में हमारे अकर होता है। इससे नेक्स्ट आता है देखो डायोराइट। तो डायोराइट क्या होता है देखो, डेफिनेशन एन इग्नियस रॉक लाइट कलर्ड इंटरमीडिएट इन नेचर, ना बेसिक है ना हमारा एसिडिक है, ऑफ प्लूटोनिक ओरिजिन विद प्लेगियोक्लॉस फेल्सपर एल्बाइट एज एसेंशियल मिनरल कॉन्स्टेंट। तो हमारा प्लेगियोक्लॉस फेल्सपर जो हमारा एल्बाइट है वो हमारा इसका एसेंशियल मिनरल है, ठीक है। पहले हमारे क्वार्ट्स था, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आया था, हमारा फेल्सपर आया था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फेल्सपर आया लेकिन एल्बाइट में। मिनरल कॉम्पोजिशन हमारी क्या, डायरेक्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ प्लेगियोक्लॉस फेल्सपर चीफली एल्बाइट, सम ऑर्थोक्लॉस एंड एल्कलाई फेल्सपर में ऑल्सो भी देर। तो ऑर्थोक्लॉस भी हमारा कभी भी प्रेजेंट होता है। द सेसी मिनरल इंक्लूड बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड एंड क्वार्ट्स। तो सेसी मिनरल्स तो हमारे ये होंगे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्लेगियोक्लॉस फेल्सपर। नेक्स्ट आता है देखो टेक्सचर। इट इज अ होलो क्रिस्टलाइन कोर्स ग्रेन रॉक। तो मोटा मोटा होता है ये भी सारा कोर्स ग्रेन रॉक, समटाइम्स मीडियम ग्रेन ऑल्सो, कॉमनली इक्विग्रेनर। तो ये भी कॉमनली इक्विग्रेनर, सम रेटिश शो ऑर्बिकुलर टेक्सचर। तो ऑर्बिकुलर टेक्सचर हमारा आता है ओलिटिक टेक्सचर्स में। नेक्स्ट आता है देखो मोड ऑफ अकरेंस। तो मोड ऑफ अकरेंस हमारे कॉमनली अकर्स इन फॉर्म सच एज हिल्स, डाइक्स एंड अदर सच इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, रेयरली एज बेथोलिट्स। तो रेयरली एज बेथोलिट्स मतलब कि बड़े उसमें नहीं आता, डायमेंशन में नहीं आता, मतलब कि बड़े बड़े पत्थर नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे आते हैं, जैसे सेल्स में आता है, डाइक्स में आता है, तो छोटे छोटे आते हैं, मोड ऑफ अकरेंस का ये है। नेक्स्ट आता है देखो गैब्रो। देखो इसमें कोई टाइप्स नहीं है डायोराइट के। नेक्स्ट आता है देखो गैब्रो, डेफिनेशन, इट इज एन इग्नियस रॉक डार्क इन कलर, बेसिक इन नेचर। देखो बेसिक इन नेचर आ गया, अब ये डार्क इन कलर, पहले लाइट चला था अब डार्क। देखो डार्क आपको यहाँ पे इमेज आ रही है, ऑफ प्लूटोनिक ओरिजिन विद प्लेगियोग्लॉस फेस्पर, लैब्राडोराइट एंड एनर्थाइट एज एसेंशियल मिनरल कॉन्स्टेंट। तो देखो प्लेगियोग्लॉस फेस्पर में कौन सा, लैब्राडोराइट एंड एनर्थाइट एज एसेंशियल मिनरल कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आता है देखो मिनरल कॉम्पोजिशन। तो मिनरल कॉम्पोजिशन इसमें ओ आ रहा था यहाँ पे, मिनरल कॉम्पोजिशन हमारी क्या है, द एसेंशियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ दिस रॉक आर प्लेगियोग्लॉस फेस्पर, लैब्राडोराइट एंड एनर्थाइट। इन एडिशन देर में बी अदर मिनरल प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट सच एज ऑगाइट, एनस्टाइट, हाइपरस्थीन, ओलिविन, नेफलिन एंड बायोडाइट। तो मतलब ये तो हमारे इंपॉर्टेंट है ही है, लैब्राडोराइट एंड एनर्थाइट, लेकिन फिर भी हमारे थोड़े थोड़े शायद आ सकते हैं ऑगाइट, एनस्टाइट, ठीक है, हाइपरस्थीन, ओलिविन, नेफलिन एंड बायोडाइट। नेक्स्ट आता देखो टेक्सचर। टेक्सचर हमारा देखो क्या है, होलो क्रिस्टलाइन कोर्स टू मीडियम ग्रेन, ठीक है, कोर्स टू मीडियम ग्रेन में आता है, कॉमनली इट इज इक्विग्रेनर। तो वही सारा सेम ही आ रहा है इसमें, क्योंकि इक्विग्रेनर है। नेक्स्ट देखो वैरायटीज हमारी क्या आती है, अनऑर्थोसाइट, यूक्राइट, एसेक्साइट, नॉटाइट, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं देखो, सबसे पहले आता है अनऑर्थोसाइट, चीफली कंसिस्ट ऑफ लैब्राडोराइट, जो इसमें होता है वो हमारा क्या होता है चीफली, उसका मतलब लैब्राडोराइट सबसे ज्यादा हमारा चीफली मेन उसमें होता है। तो नेक्स्ट आता है देखो यूक्राइट, चीफली कंसिस्ट ऑफ बायोटोनाइट, ठीक है ना, बायोटोनाइट
उसमें प्रेजेंट होता है, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है उस पर हम यूक्राइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो सेक्साइट, तो देखो विद नेफलिन इन एडिशन टू फेल्सपर, तो नेफलिन में होता है लेकिन थोड़ा सा फेल्सपर भी इसमें ऐड है इन एडिशन टू फेल्सपर। नेक्स्ट आता है देखो नोराइट, एंस्टेटाइट एंड हाइपरस्टीन इन एडिशन टू फेल्सपर, तो वही है कि एंस्टाइट एंड हाइपरस्टीन इन एडिशन टू फेल्सपर हमारा आया था, तो मतलब उसमें थोड़ा सा ऐड हो जाता है, तो उसके हम बोलते हैं नोराइट। कौन सा नोराइट? हमारा गैब्रो। नेक्स्ट आता है देखो मोड ऑफ अकरेंस, तो मोड ऑफ अकरेंस क्या अकर्स एज इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज और वेरिएबल साइज एंड शेप, तो इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज में आता है और वेरिएबल साइज एंड शेप्स में, तो ये हमारा गैब्रो हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है देखो पेरिडोटाइट, तो पेरिडोटाइट क्या हमारा देखो डेफिनेशन, इट इज एन इग्नियस रॉक डार्क इन कलर अल्ट्रा बेसिक इन नेचर, मतलब बेसिक से भी ज्यादा अल्ट्रा बेसिक इन नेचर, ऑफ प्लूटोनिक ओरिजिन विद फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स एज अ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो नेक्स्ट आता है देखो मिनरल कॉम्पोजिशन हमारी क्या है, द रॉक कंटेन्स फेरोमैग्नीशियम मटेरियल चीफली ओलिविन एंड पायरोक्सिन्स एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, द सेसी मिनरल्स इंक्लूड हॉर्नब्लेंड एंड आयरन ऑक्साइड्स, तो द रॉक कंटेन्स फेरोमैग्नीशियम मटेरियल से ज्यादा अगर बनता ही हमारा पेरिडोटाइट फेरोमैग्नीशियम मिनरल से, चीफली ओलिविन एंड पायरोक्सिन्स एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो जो हमारा फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स है वो क्या हमारे ओलिविन एंड पायरोक्सिन्स है। नेक्स्ट आता है देखो टेक्सचर, इट इज अ होलोक्रिस्टलाइन रॉक कोर्स टू मीडियम ग्रेन, कॉमनली इट इज इक्विग्रेनुलर, सम वैरायटी शो पर्क्लेटिक टेक्सचर, तो मतलब कि टेक्सचर में हमारा सारा सेम ही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा हमारा ये कभी कभी शो करता है पर्क्लेटिक टेक्सचर हमारा कभी कभी शो कर जाता है, मतलब कि छोटे छोटे जो हमारे मतलब बड़े बड़े हमारे होंगे इसमें लेकिन छोटे छोटे भी बीच में आ जाएंगे मिनरल्स। नेक्स्ट आता है देखो वराइटीज, वराइटीज देखो इसमें क्या बेस्ड ऑन द चीफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट द फॉलोइंग वराइटीज आर नॉन, ड्योनाइट चीफली कंपोज टू ओलिविन, पायरोक्साइट चीफली कंपोज टू पायरोक्सिन्स, तो जो ड्यूनाइट हमारा जो होता है उसमें ओलिविन सबसे ज्यादा होगा और पायरोक्साइट में हमारा क्या होगा पायरोक्सिन्स सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। वैरायटीज इसकी दो ही तरह की होती है। नेक्स्ट आता है देखो मोड ऑफ अकरेंस, तो मोड ऑफ अकरेंस हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉमनली अकर्स इन इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज सच एज सेल्स एंड डाइक्स, तो मतलब कि सेल्स एंड डाइक्स में हमारा मोस्टली प्रेजेंट होता है, ये भी एक इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी है। नेक्स्ट आता है देखो डोलोराइट, तो डोलोराइट हमारा यहाँ पे क्या है देखो डेफिनेशन, इट इज एन हाइपोबेसल इग्नियस रॉक, ये अब हाइपोबेसल इग्नियस रॉक आ गया, डार्क इन कलर बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक नेचर, मतलब बेसिक से अल्ट्रा बेसिक के बीच में वेरी कर सकता है, विद फेल्सपर एंड फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स आर एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो विद फेल्सपर तो आ ही रहा है शुरू से एंड फेरोमैग्नीशियम मिनरल एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें डोलोराइट में हमारा क्या फेल्सपर और फेरोमैग्नीशियम मिनरल एड होता है। नेक्स्ट आता है देखो मिनरल कॉम्पोजिशन, दिस रॉक एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम प्लेग्युक्लेस फेल्सपर सच एज लैब्राडोराइट एंड अनॉर्थराइट, तो ये उसमें भी आता है एंड फेरोमैग्नीशियम मिनरल सच एज ओलिविन ऑगाइट एंड आयरन ऑक्साइड, तो मतलब सारा कुछ इसमें ऐड हो गया तो वो हमारा डोलोराइट बन जाता है। नेक्स्ट आता है देखो टेक्सचर, इट इज अ फाइन टू मीडियम ग्रेन रॉक पोरफिरेटिक एंड ऑफिटिक टेक्सचर इन कॉमन, तो फाइन टू मीडियम ग्रेन आता है ये, मतलब कि ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कोर्स ग्रेन में नहीं आएगा, फाइन से मीडियम में रहेगा। नेक्स्ट आता है देखो मोड ऑफ अकरेंस, मोड ऑफ अकरेंस में क्या है कॉमनली अकर्स एज सेल्स एंड डाइक्स, तो सेल्स एंड डाइक्स में आता है देखो तभी थोड़ी सी शेप इस तरह है ना, तो डाइक्स में हमारा रिंग डाइक भी हो सकता है तभी थोड़ी सी शेप इसकी डोलोराइट की थोड़ी इस तरह है। नेक्स्ट आता है देखो एंडिसाइट, तो एंडिसाइट में हमारा देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन, इट इज अ वोल्केनिक इग्नियस रॉक लाइट इन कलर ऑफ इंटरमीडिएट नेचर विद फेल्सपर एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वोल्केनिक इग्नियस रॉक आ गया। अब वोल्केनिक इग्नियस रॉक मतलब कि वोल्केनिक जो हमारे नेक की तरफ होता है उसको हम कहते हैं वोल्केनिक, लाइट इन कलर है और इंटरमीडिएट नेचर है, ठीक है ना, बेसिक ना ज्यादा हमारा वो एसिडिक विद फेल्सपर एज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। मिनरल कॉम्पोजिशन देखो इसकी क्या होती है, दिस रॉक चीफली कंसिस्ट ऑफ प्लेग्युक्लेस फेल्सपर सच एज एल्बाइट लैब्राडोराइट एंड एंडेसाइट, ऑर्थोग्लोस अकर्स इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, द एसेसिव मिनरल्स प्रेजेंट इंक्लूड क्वार्ट्ज हॉर्नब्लेंड बायोटाइट ओलिविन ऑगाइट एंड हाइपरस्टीन, ये हमारे सारे हमारे कॉम्पोजिशन आते हैं हमारे मिनरल कॉम्पोजिशन एंडेसाइट में। नेक्स्ट आता है देखो टेक्सचर, फाइन ग्रेन एफिनेटिक रॉक, एफिनेटिक रॉक आ गया, फाइन ग्रेन आ गया, दिख ही रहा है फाइन ग्रेन है यहाँ पे, विद टिपिकल पोरफिरेटिक टेक्सचर शोइंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ फेल्सपर हॉर्नब्लेंड बायोटाइट एंड ऑगाइट एम्बेडेड इन अ फाइन ग्राउंड मास, ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ये मतलब लग रहे हो ना, तो ये सारे शोइंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ फेल्सपर, ये फेल्सपर की भी हो सकते हैं, हॉर्नब्लेंड बायोटाइट ऑगाइट किसी की भी हो सकता है, ठीक है, ये टिपिकल पोरफिरिक टेक्सचर। तो देखो अब इसकी वैरायटीज देखो दो तरह की होती है, कौन सी, हॉर्नब्लेंड और बायोटाइट, ठीक है। हॉर्नब्लेंड में एंडिसाइट में क्या होता है, देखो व्हेन हॉर्नब्लेंड इज अ प्रोमिनेंस एसिड मटेरियल और बायोटाइट हमारा क्या होता है व्हेन बायोटाइट इज अ प्रोमिनेंस, ये सारे नाम से पता चलता है, तो इसमें वैरायटीज वगैरह मतलब मुझे तो लगता है आपको कोई ज्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट आता है देखो मोड ऑफ अकरेंस, अकरेंस वोल्केनिक लावा फ्लो, तो वही है कि इसमें अगर जब आई गया यहाँ पे कि वोल्केनिक इग्नियस रॉक है तो वही अकरेंस वोल्केनिक लावा फ्लो, तो वही लावा फ्लो जैसे हमारे वोल्केनो है ना पूरा ये ऐसे हमारे वोल्केनो हो गया, तो इसमें जो यहाँ यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ना यहाँ यहाँ पे जो हमारे प्रेजेंट होंगे वो हमारे कौन से होंगे एंडेसाइट होंगे।
नेक्स्ट है देखो रायोलाइट। तो रायोलाइट देखो क्या होता है, डेफिनेशन, इट इज अ वोल्केनिक इग्नियस रॉक। ये भी उसके सेम तरह की है, लाइट इन कलर ऑफ एसिडिक नेचर। अभी एसिडिक नेचर विद क्वार्ट्स एंड फेल्स्पर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें क्वार्ट्स एंड फेल्स्पर हमारे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। नेक्स्ट आता है देखो मिनरल कॉम्पोजिशन। मिनरल कॉम्पोजिशन हमारी देखो यहाँ पे क्या आती है, इट्स कॉम्पोजिशन सिमिलर टू डेट ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट के सेम सेम है वही, उसमें भी तो ये सब कुछ सेम था। द एसेंशियल मिनरल कंसिस्ट्स आर क्वार्ट्स एंड फेल्स्पर मेनली ऑर्थोक्लस प्लेग्युलस फेस्पर्स एंड अदर सेसी मिनरल्स अकर इन स्मॉल अमाउंट। तो बाकी ये सारे सेसी मटेरियल्स हमारे थोड़े थोड़े अमाउंट में प्लेग्युलस फेस्पर ठीक है एंड अदर सेसी मिनरल्स। नेक्स्ट आता है देखो टेक्सचर, कॉमनली अ फाइन ग्रेन रॉक। तो फाइन ग्रेन आपको पता ही चल रहा है कितने छोटे छोटे है ना पूरे। हाउएवर इट शोज वेरिएशन फ्रॉम कोर्स ग्रेन टू ग्लासी मास। तो ये कह देते हैं कि ग्लासी भी हो जाता है कभी कभी। स्फेरुलिटिक एंड पैरालिटिक टेक्सचर्स आर कॉमनली प्रेजेंट। ओलिटिक टेक्सचर्स भी हमारे सारा कुछ आ जाता है। अब आता है इसके वेराइटीज, ऑब्सीडियन एंड पिस्टोन। देखो ऑब्सीडियन देखो वैसे नाम भी है रॉक का, फिर भी एक वैरायटी भी है, ब्राउन ब्लैक एंड ग्रीन कलर ग्लासी रॉक विट्रियस इन अपीयरेंस। तो वैरायटी हमारे इस तरह का आया था, ऑब्सीडियन हमारे रॉक में आया था, ऑब्सीडियन इसमें आया था, पिस्टोन आया था। नेक्स्ट आता हमारा पिस्टोन, पिस्टोन में क्या था, ब्लैक एंड ब्लैक ग्रीन कलर ग्लासी रॉक रिजिनियस इन अपीयरेंस शोइंग पैरालिटिक टेक्सचर। नेक्स्ट आता है देखो डेसाइट, डेसाइट हमारा होता है शोइंग पोर्फिरिटिक टेक्सचर विद प्लेग्युलस फेस्पर एज प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट आता है देखो प्यूमिस, प्यूमिस अ हाईली पोरस एंड लाइट वेट रॉक फॉर्म बाय द सडन एस्केप ऑफ गैसेस। तो सडन एस्केप ऑफ गैसेस नवा वर्ड सुनने को आया, ये सडन एस्केप ऑफ गैसेस से हमारा जो बनता है वो प्यूमिस होता है। मोड ऑफ अकरेंस हमारा क्या हो गया, अकर्स एज लावा फ्लोस। नेक्स्ट और लास्ट आता हमारा बसाल्ट, बसाल्ट में देखो क्या डेफिनेशन, इट इज अ वोल्केनिक इग्नियस रॉक डार्क इन कलर बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक नेचर विद फेस्पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखो आपको वैसे मोस्टली याद कौन से क्या होते हैं, बसाल्ट याद होगा आपको ठीक है, और एक आपको ग्रेनाइट याद होगा। मोस्टली आप दो यही पढ़ते हो, हम छोटी क्लास जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब बड़े में आप देखना आपने नौ पढ़ लिए। मिनरल कॉम्पोजिशन हमारी नेक्स्ट क्या है, देखो द एसेंशियल मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कैल्शियम प्लेग्युलस फेस्पर द फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स सच एज ओलिविन हॉर्नब्लेंड ऑगाइट बायोटाइट एंड हाइपरस्टीन एंड आयरन ऑक्साइड। क्वार्ट्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो ये तो हमारे मिनरल्स आते थे, लेकिन क्वार्ट्स थोड़े से में प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि फेस्पर हमारा यहाँ पे चीफ वो है, चीफ मिनरल, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट देखो टेक्सचर, इट इज अ फाइन ग्रेन रॉक कॉमनली विद एनी ग्लोडाइडल और आलमंड शेप में प्रोवाइड होता है, मतलब कि आलमंड शेप में इसका टेक्सचर होता है, कैविटीज ठीक है, कैविटी हमारी आलमंड शेप में होती है। पोर्फिटिक टेक्सचर इन कॉमन, तो पोर्फिटिक टेक्सचर इसमें कॉमन होता है। आगे देखो क्या होता है इसकी वैरायटीज, अब दो तरह के बेसाल्ट होते हैं, कौन से, क्वार्ट्स और ऑयलिविन। तो क्वार्ट्स में देखो क्या होता है, इट इज अ वैरायटी इन व्हिच क्वार्ट्स इज प्रेजेंट एज अ प्रोमिनेंट सेसी मिनरल। कि वैसे तो हम यहाँ पे कह रहे थे क्वार्ट्स थोड़ा थोड़ा शायद प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जब होता है तो अगर प्रोमिनेंट होता है तो उसका क्वार्ट्स बेसाल्ट बन जाता है, और जब ऑयलिविन कंटेंट ज्यादा होता है तो ऑयलिविन बेसाल्ट बन जाता है। लास्ट हमारा देखो मोड ऑफ अकरेंस क्या, कॉमनली अकर्स एज लावा फ्लोस ऑल्सो सिल्स एंड डाइक्स। तो सिल्स एंड डाइक्स में भी आता है, वैसे लावा फ्लोस में हमारा ये अकर होता है। तो यहाँ से आपका पूरा अच्छे से समझ, पूरा आपका एक खत्म हो गया इग्नियस रॉक, क्योंकि इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स हमारा लास्ट पार्ट था। तो बसाल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट, डोलेराइट, पेरिडोटाइट, गैब्रो, डायोराइट, हमने साइनाइट, ग्रेनाइट, ये हमने सारे, ये हमने एक एक करके सारे पढ़ लिया। तो अगर आपको ये पूरा हमारे इग्नियस रॉक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारे इग्नियस रॉक्स की वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।